बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के मुतल्लिक है। इसमें जो पहला पोर्शन वेक्टर्स का जो हम पढ़ रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा डेफिनेशंस पे था। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसमें क्या हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं, हम उसको डिस्कस करते आ रहे हैं। पहले हिस्से के अंदर हमने वेक्टर्स, साथ ही साथ हमने कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेक्टर एडिशन, यूनिट वेक्टर, हम लोगों ने सेक्टर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन वेक्टर, बाया नंबर, ये हमने पढ़े, इक्वल वेक्टर, नल वेक्टर पढ़े। आज उन्हीं से रिलेटेड हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि फिजिक्स के अंदर एक बड़ा अहम इशू पाया जाता है वो एमसीक्यूज का है। तो पहला जो एमसीक्यू हमारे पास मौजूद होगा वो देखिएगा, अ फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली स्पेसिफाइड ओनली बाय मैग्नीट्यूड, यानी डेफिनेशन है ये बेसिकली। मैंने लिखवाया था, याद होगा, कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय अ नंबर, अ प्रॉपर यूनिट एंड नो डायरेक्शन, उसी को हमने तब्दील किया है, डेफिनेशन है। स्पेसिफाइड, बयान करना वजाहत के साथ, ओनली बाय मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड क्या कहलाता है, स्केलर। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आंसर क्या है, बी है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर, फिक्र गौर से पढ़ना है, नॉट अ स्केलर, जो स्केलर नहीं होते वो वेक्टर होते हैं, उनमें डायरेक्शन होगी। लेंथ आप जानते हैं, हम लोग बात करें 10 मीटर है, हाँ जी, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं। वॉल्यूम, हाँ जी, 5 लीटर क्या है, पेट्रोल है, कोई जरूरत नहीं। टेम्परेचर, हाँ जी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं। हाँ जी, वेट की बात करते हैं, बिल्कुल जी, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जमीन की तरफ आएगा तो डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द अर्थ। आंसर क्या है, वेट, आज क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ जी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज मेड व्हेन वेक्टर टू बी सब्ट्रैक्टेड। सर ये क्या मतलब होता है, टू बी सब्ट्रैक्टेड, आइए बात करते हैं। हाँ जी, अगर मैं ये कहूं ए और ये क्या है, माइनस बी है, जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे क्या कहते हैं, बी कहलाएगा। कैसे करते हैं, पढ़ा था, ए प्लस माइनस बी होगा, यानी जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा उसका क्या लेंगे, पहले नेगेटिव एंड देन ऐड बाय द क्या होगा, हेड टू टेल रूट इनटू द फर्स्ट वेक्टर, ये हमने पढ़ा। आइए क्या लिखा हुआ है, एडिट ओनली, बिल्कुल होता है, तवज्जो के साथ, एडिट ओनली बिल्कुल होता है, फर्स्ट मेक इट नेगेटिव एंड देन ऐड टू फर्स्ट वेक्टर, ये अहम बात है, मेन पॉइंट ये है। ओनली मेक इट नेगेटिव ये भी होता है, लेकिन पूरी बात नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, आंसर कौन सा है, बी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे फिर एक चीज, हमारा कॉन्सेप्ट आया, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया, अ नल वेक्टर इज डिफाइंड एज, हाँ जी, कैसे करते हैं, जीरो मैग्नीट्यूड, ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन की यानी कोई वाजे नहीं होती, होती जरूर है लेकिन क्या कहते हैं, जीरो मैग्नीट्यूड पे कैसे लेंगे डायरेक्शन, कोई भी ले सकते, हाँ जी बताएं आंसर कौन सा होगा, जीरो मैग्नीट्यूड, बी ऑर्बिट्रेशन, ए एंड बी, आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल, हाँ जी कब होंगे, पढ़ाया था, दो वेक्टर इक्वल हैं, देखें जरा, ए और ये क्या है, बी, हाँ जी बिल्कुल जी, कैसे होंगे, मैं अक्सर समझाता हूं, ये देखें, ये हमारे पास दो वेक्टर, एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर बी है, अगर इनको रख दिया जाए तो एक दूसरे के आगे पीछे हैं, नजर नहीं आएंगे, इसको आगे कर दें पीछे और नजर नहीं आएगा, ठीक है, ये हुआ, एक जैसे हैं, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम क्या है, डायरेक्शन, जी आंसर कौन सा होगा, डी, ए एंड बी। नेक्स्ट, हाँ, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय प्लस टू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब एक वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस टू के साथ, ये देखिएगा ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए, अगर इसको प्लस टू ए से मल्टीप्लाई करें, पहले तो एक चीज क्लियर कर लें, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल होगा, सही, ये देखें मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल, हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन क्या देती है, हमें मैग्नीट्यूड देता है, प्लस क्या बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, हाँ जी क्या चीज चेंज होगी, याद रखेंगे सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, आंसर क्या है, ए, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो सकती, आंसर कौन सा है, ए, बी है हमारे पास मौजूद है, ए था। नंबर नेक्स्ट, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, इधर देखिए जी, अगर हम ये कहें तो ये वेक्टर क्या है, ए, ये क्या है, ए, सही, अगर इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई किया जाए, क्यों, हम नंबर है, माइनस वन भी नंबर है, उसको भी हमने चेक करना है, कैसे करेंगे, अब इधर क्या होगा, सर
टू से करते थे डबल था, थ्री से करते थे थ्री टाइम्स था, वन से करेंगे तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर वन से करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, सिर्फ माइनस की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज होगी। ये देखिएगा, अगर ये ए है तो बताएंगे तो ये क्या होगा, आप कहेंगे सर माइनस ए। क्या मतलब? हाँ जी, लाजमी तौर पे नेगेटिव वेक्टर होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट स्लाइड में, टू वेक्टर्स आर एड, हाँ जी, किसके जरिए करते हैं सर? बाय हेड टू टेल रूल, बिल्कुल पहली ऑप्शन है। जरा गौर तो करें, क्या ये बात मुकम्मल हो रही है? नहीं लगता, क्यों? आगे पढ़ें, उबेद ऑफ, हाँ जी, क्या करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को करता है। जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस क्या है, ए है। सही आए जी, बाय एनी ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स, हाँ जी, कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, ए प्लस बी या बी प्लस ए, वही कम्यूटेटिव है। आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट स्लाइड में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज रिप्रेजेंटेड बाय, याद होगा ए वेक्टर है, अगर सिंपल ए लिख दिया जाए या ए के साथ क्या लगा दिया जाए, मॉड, इसे क्या पढ़ते हैं, हाँ जी, क्या कहलाता है आपके पास, लाइट फेस, क्या कहलाएगा, लेटर कहलाएगा। सही, ये सारे हैं, क्या सिर्फ ए के लिए रहेंगे? नहीं, सी भी तो हो सकता है, बताएं सी है, सी, हाँ जी, क्या आएगा, सी के साथ क्या लगाएंगे, मॉड, सब तरतीब वही है, सी लाइट फेस लेटर, सी के साथ वेक्टर के साथ क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगी, मॉडुलस भी पढ़ते हैं, मॉड भी पढ़ते हैं, ऑल ऑफ दिस डी है जी। नेक्स्ट स्लाइड, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द, हाँ जी, क्या देता है सर? वेरी सिंपल, डायरेक्शन देता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड, वन होता है। हाँ जी, क्या देता है? रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। आंसर क्या है? बी हमारे पास मौजूद है। इसमें हम बात करें तो बेटा, हमने जो पहला हिस्सा हमने अब तक पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे, वो मैंने आपसे डिस्कस किए। मैंने कोशिश की है एक रिवीजन आपको दूं ताकि आप इसको साथ साथ लेके चलें। नेक्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसके अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला, उम्मीद करता हूँ इसको साथ साथ तैयार भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और अपने रजिस्टर्स पे नोट भी करेंगे। थैंक यू।